आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन को सरकार कानूनी दर्जा देने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इसे कानून के दायरे में लाकर टैक्स लगाना चाहती है, और कौन कौन सी शर्तें इस पर लागू होंगी जानने के लिए सीधा बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताए कि सरकार वर्चुअल करेंसी के लिए किस किस तरह के कानून यहां बनाने की तैयारी में है। दरअसल वर्चुअल करेंसी, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बिटकॉइन कहते हैं, बिटकॉइन के तौर पर जिसके हम लेन देन करते हैं, उसको अभी किसी भी तरह के कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। तो बहुत संभावना है कि सरकार इसको कानूनी दर्जा दे दे। कानूनी दर्जा देने का मतलब यह होगा कि वर्चुअल करेंसी को आरबीआई एक्ट के तहत ले आया जाएगा। वर्चुअल करेंसी की लेन देन, इसके निवेश को लेकर के रिजर्व बैंक एक गाइडलाइन जारी करेगा। उसके निवेश करने पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। आप अगर वर्चुअल करेंसी या फिर बिटकॉइन के जरिए विदेशों में कोई पेमेंट करते हैं तो फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत उस पर कानून लागू होगा, और निवेश करने पर जो रिटर्न आपको पैसा आएगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात कि यहां पर आपको जो निवेश करेंगे तो आपको बिटकॉइन या फिर वर्चुअल करेंसी या कोई दूसरी करेंसी खरीदने पर आपको कठोर शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर को लेकर। यह सारी बातें चर्चा में आई और विचार के तौर पर रखा गया। एक जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी गई, उस कमेटी की पहली बैठक में अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत थे कि इसको रेगुलेट किया जाए। हालांकि कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि इसको रेगुलेट करने या फिर समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। हालांकि पाबंदी लगने की संभावना काफी कम है, लेकिन माना जा रहा है कि 15 से 20 मई तक कमेटी अपनी अंतिम सिफारिश कर देगी और उसके बाद वित्त मंत्रालय अंतिम फैसला लेगा। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण।